सामने ही ट्रीना 550 है। अच्छा, ट्रीना 550 और ये 17 एम्पियर वाला पैनल है। नॉर्मली जो हमारे पास 550 वॉट में आते हैं वो 13 एम्पियर में आते हैं। अच्छा, ये 17 एम्पियर वाला पैनल है और इसकी निशानी है कि हम नॉर्मली हम मोनोपर्क में देखते हैं ना, तो बीच में से वो डिवाइड हो रहा होता है। अच्छा 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 ठीक है, ये देखिए बीच में से डिवाइड हो रहा होता है नीचे से। इसकी भी एफिशिएंसी जो जिनको नॉर्मल जिनको पी टाइप पैनल की वही हिसाब किताब, और ये है अपना 13 एम्पियर और 45 वोल्ट्स का पैनल है। लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, ये 3000 साइकिल के साथ है। अच्छा, 3 साल की वारंटी के साथ। लाइफ साइकिल यानी इसकी 3000 लाइफ साइकिल है। और ये अपने RS-485 और 232 दोनों कम्युनिकेशन इंटरफेस को मतलब के साथ लग सकती है। लिथियम बैटरी में सबसे अच्छा ब्रांड जो है पायलेंटेक, ये भी अवेलेबल है। ये भी अवेलेबल है, ठीक हो गया। सही है, ये सिर्फ RS-485 के साथ लग सकता है, यानी जो बड़े इन्वर्टर होते हैं हमारे जी उनके साथ लग सकता है। ये चार छोटे पैनल लगाएं और उसकी जगह एक बड़ा पैनल लगाएं, ठीक है, तो बड़ा पैनल जो है चार छोटे पैनल से ज्यादा एफिशिएंट होगा जनरेशन बनाने में। सही है, खासकर उन महीनों में जहाँ पे धूप नहीं होती। अच्छा, 10,000 का पैनल लो जी, बिल्कुल A1 क्वालिटी में, चलती क्वालिटी में, आपने सिर्फ 2 साल इस्तेमाल किया, उसकी लाइफ 25 साल है, ठीक है। लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो कोई 5,000 भी दे रहा होता है, मतलब वो बहुत ही मतलब कम पैसे मिलेंगे आपको, जाया हो जाएगी साथ, तो ये अच्छे खासे पैसे जाया हो जाते हैं इसमें। तो उसकी जगह आप शुरू में एक बड़ा पैनल ले लो जी, एक बड़ा सिस्टम शुरू में इस तरह तैयार कर लो कि आपके पास अब सिर्फ बड़े पैनल ही बढ़ाने हैं, सही है, और कुछ नहीं करने। जो मॉडल है ये कहलाता है मोनोपर्क। अच्छा अच्छा, चाहे पी टाइप हो, चाहे हाइमोफाई हो, हाइमोसिक्स हो, एन टाइप हो, एन टाइप बाइफेशियल हो, कोई सा भी हो, ये सारे मोनोपर्क कहलाते हैं। सही है, सही मॉडल जो है मोनोपर्क कहलाते हैं। इसमें थोड़े अपग्रेड करके एक को बाइफेशियल कर दिया, आगे पीछे सेल कर दिए, एन टाइप कर दिया उसमें ज्यादा बस बार लगा दिए, ठीक है, हाइमोसिक्स कर दिए कि बस बार सेल के पीछे कर दिया आपने, ठीक है। तो ये थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी करके अपग्रेड करके आपने इसको नाम चेंज किया है। सही है, सही। एक नाम चेंज कर दिया आपने। अब बास कस्टमर बेचारे ऐसे परेशान होते, बोलते हैं यार पी टाइप ले लूंगा, 2 साल बाद नहीं मिलेगा, तो भाई जब चेंज होगा ना तो ये पूरा मोनोपर्क ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम हसन भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं हसन भाई, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हम पहले भी कहीं मतलब आपकी शॉप पे आ चुके हैं सोलर पैनल्स और इन्वर्टर्स वगैरह के रेट लेने के लिए, लिथियम बैटरीज भी आपके पास होती है, तो सबसे पहले ये बताइए कि इस वक्त मार्केट की क्या पोजीशन है, क्योंकि सोलर पैनल्स की कीमतें तारीख की कम तरीन सतह पर थी 2023 के तकरीबन 6 महीने तक, और 2024 के पहले महीने में भी यही सूरतहाल थी, लेकिन सूरतहाल डिफरेंट हो गई और अब कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं, तो आप ये बताइए सबसे पहले मार्केट की सूरतहाल क्या है इस वक्त, क्या पीछे से सप्लाई का मसला है या पोर्ट पर मसला है, क्या ओवरऑल सूरतहाल बताइए मार्केट की। जी अभी तो कीमतें बढ़ी हैं और जो पैनल 46 रुपये 48 रुपये पर वॉट पे अवेलेबल था मार्केट के अंदर जी जी, वो अब 52-55 पे मिल रहा है। अच्छा, और जो 50-52 पे था वो अभी 60-63 रुपये पर वॉट पर पहुंच गया। अच्छा, ठीक हो गया। और इसकी वो जो हाथ जो है वो सबसे पहले मेन वजह तो ये थी कि पोर्ट पे माल रुका था जिसकी वजह से शॉर्टेज पैदा हुई। अच्छा अच्छा, ठीक है। मार्केट में माल बहुत था और आना भी बहुत था, पोर्ट पे माल भी बहुत था, फिर ये पाकिस्तान पोर्ट ने जो है उसे क्लियर नहीं किया, कस्टम्स ने क्लियर नहीं किया। अच्छा, इसकी वजह से ये शॉर्टेज पैदा हुई है। आगे उम्मीद है कि 12 फरवरी के बाद और अच्छा, माल आए, लेकिन अच्छा, अगर पाकिस्तान कस्टम ने फिर माल रोका और क्लियर नहीं किया तो कम होना नजर नहीं आ रहा। अच्छा, या तो इसी रेट पे रहेगा या फिर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वजह क्या है, क्यों रुका हमारा वजह, कस्टम क्या मामला है, बताएंगे इसके बारे में? इसका तो पाकिस्तान कस्टम जवाब देगी, मुझे नहीं पता इसकी वजह। अच्छा, पहले भी यही कहा जा रहा था कुछ दुकानदारों ने, शॉप वालों ने ये कहा कि चाइना से सप्लाई इस वक्त बंद है, क्या इसमें कितनी सलाहकार इस बात में जरा बताएंगे? बहुत सारे शॉपकीपर ये कह रहे हैं चाइना से सप्लाई इस वक्त बंद हो गई है। दरअसल चाइना साल में एक मरतबा बंद होता है, ठीक है, फरवरी के महीने में बंद होता है और इसको एनुअली छुट्टियाँ कहते हैं लोग। अच्छा अच्छा, तो ये तकरीबन 18 से 20 दिन के लिए बंद होता है, ठीक है। तो अब जो फरवरी में माल आएगा 12 तारीख के बाद, अच्छा अच्छा, उसके बाद अगर यूँ कहें कि 15-20 दिन तक कोई माल नहीं है तो सही होगा, क्योंकि चाइना बंद है तो वहाँ से कोई माल निकल नहीं पाएगा। अच्छा, जब इनकी छुट्टियाँ ख़त्म होंगी, अच्छा, उसके बाद जो है वो ऑर्डर्स आएंगे, फिर उसके बाद ऑर्डर जब आपके हो गए फिर वो इम्पोर्ट का पूरा एक सिलसिला होता है जिसमें 15-20 दिन लगते हैं, ठीक है, चाइना से यहाँ माल। तो ये कि 12 फरवरी के बाद जो माल आएगा उसके बाद फरवरी के महीने में जी जी, आखिरी के 3-4 दिन से पहले पहले माल आना मुश्किल है। अच्छा, आम सा सवाल है कि आम कस्टमर्स को हम नहीं पता लेने वाले को, ये सिंगल ग्लास डबल ग्लास जरा इसको बताएंगे, दोनों साइड के होते हैं और एक सिंगल साइड होती है पैनल, इसके बारे में जरा दोनों का फर्क बताइएगा और आउटपुट एफिशिएंसी वाला इसके बारे में बताइएगा, बहुत सारे हमारे देखने वाले उनको नहीं पता ये बात।
सिंगल ग्लास को नॉर्मली तो आमतौर पर हम मोनोफेशियल कहते हैं। मोनोफेशियल ये होता है पैनल के सामने की तरफ आपके सेल लगे होंगे, ग्लास लगे हुआ, पीछे की तरफ जो है व्हाइट कलर की शीट लगी होती है, ठीक हो गया, इसे मोनोफेशियल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पैनल में ये काबिलियत होती है कि वो सामने की तरफ से यानी जो उस पर धूप डायरेक्ट पड़ रही है, ठीक है, उससे वो बिजली बनाता है, ठीक हो गया। जो डबल ग्लास वाला होता है जिसे हम बाईफेशियल कहते हैं, बाईफेशियल जी, उसमें आगे में जिस तरह सेल और ग्लास होता है इसी तरह पीछे भी सेल और ग्लास लगे हुए होते हैं, ठीक हो गया। उसका फायदा ये होता है कि जो धूप एक तो डायरेक्ट पड़ रही है उससे वो बिजली बना रहा है सामने की तरफ, पीछे की तरफ से वो बिजली ऐसे बनाता है कि जब धूप जो है वो जमीन से लग के वापस रिफ्लेक्ट होती है, जी जी, ये वापस आती है तो उससे वो बिजली बनाता है कुछ। अच्छा, अब बाईफेशियल का फायदा जब है जब आप पैनल को जमीन से 4 फुट की हाइट तक रखें, अच्छा 3-4 फुट की हाइट रखें, इससे ऊंचा ना ले जाए। बाज लोग जो है वो एलिवेटेड स्ट्रक्चर बनाते हैं जो इनका 10-12 फुट की हाइट पे होता है, उस पर डबल ग्लास यानी बाईफेशियल पैनल लगाते जी जी, उसको कोई फायदा नहीं होता। अच्छा, यानी अब जब धूप जमीन से लग के रिफ्लेक्ट होगी तो वो बिजली जनरेशन में फायदा नहीं देगी, बिजली जनरेशन में वो फायदा नहीं देगी क्योंकि वो काफी दूर है। अच्छा, तो अगर कोई शख्स ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर 3-4 फुट की हाइट पे लगा रहा है, ठीक हो गया, तो उस वक्त उसको डबल ग्लास फायदा देगा। अब डबल ग्लास फायदा कितना देगा तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम बहुत ज्यादा मान ले तो 4-5% फायदा देगा बिजली बनाने में। फिर उसमें ये होता है कि आप डबल ग्लास के साथ आपको नीचे उसके साथ अहतमाम भी करना पड़ता है उसके साथ, वो ये होता है कि आप अगर हमारी प्लास्टर वाली नॉर्मल छत जो होती प्लास्टर वाली होती, बहुत कम हमारे यहाँ छतें ऐसी होती जो मार्बल वाली होती, मार्बल वाली छत है तो फिर कोई जरूरत थी हमें सही है, सही है। करने के लिए प्लास्टर वाली छत है तो फिर उसको याद है पीछे वाली छत पे आपने ऑयल पेंट कराना पड़ता है। अच्छा, यहाँ से धूप रिफ्रैक्ट होगी अब पैनल को लगेगी, सही है। उसके अलावा अगर टेयर गार्डन की छत है उस पर आप स्ट्रक्चर बनवा के लगा रहे हो लेकिन करीब है तो उसमें भी फिर ऑयल पेंट सफेद कलर का करवा लो। अच्छा अच्छा, यानी जमीन से सिर्फ 4 फुट हो, उससे ज्यादा नहीं हो। हाँ, जो सरफेस है उससे 4 फुट की हाइट पे हो, इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। तो ये ग्राउंड माउंटेड स्ट्रक्चर होता है हमारे ये तकरीबन 4-5 फुट की हाइट में, तो इस पे लगेगा। एलिवेटेड स्ट्रक्चर पे लगाएंगे 10-12 फुट की हाइट पे तो फिर ये के फायदा नहीं है। एक सवाल ये है कि जिसका बहुत ज्यादा बजट नहीं है और सिर्फ ज्यादा 2 पंखे चलाने या 2-4 लाइटें चलानी है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसके लिए ये बताइए कि आप छोटे पैनल्स खरीदना ज्यादा बेहतर समझेंगे या फिर एक ही बड़ा पैनल ले लिया उससे काम चल जाएगा, ये बताइएगा। इस सूरत के अंदर ये होता है कि आप जिसके साथ ज्यादा बजट नहीं होता लेकिन उसकी प्लानिंग आगे बहुत ज्यादा बड़ी होती है, आगे प्लानिंग होती है, उसके आगे की प्लानिंग ये होती है कि उसके घर में फ्रिज मोटर जो हो वो कम से कम उस पर सोलर पे कन्वर्ट कर सके आगे। जी जी, हर कस्टमर यही चाहता है, तो अब जो भी कस्टमर इन्वेस्ट कर रहा है ना तो वो चाहता है कि जब मैं सिस्टम बढ़ाऊँ ना तो मेरी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम से कम जाया हो, ठीक हो गया सही। तो अगर आप या कोई कस्टमर छोटे पैनल लगा लेते हैं जैसे 2 या 3 पंखे उसके घर के चलाने हैं, उसने 3 पैनल छोटे वाले लगा लिए, तो 3 छोटे पैनल की जो कीमत बनती है अगर हम 11,000 रुपये से लगाएं जी जी, अच्छी क्वालिटी का जो पैनल होता है हमारा जी जी, तो उसकी कीमत बनेगी तकरीबन 33,000 रुपये, ठीक हो गया सही है। तो अब जब वो सिस्टम लगाएगा आगे जाकर, अब उसको सिस्टम बढ़ाना है या इन्वर्टर की तरफ जाना है 1 किलोवाट के 2 किलोवाट के इन्वर्टर की तरफ, तो अब छोटे पैनल बेकार हो जाएंगे। अच्छा सही है। अब वो जो उसने 33,000 पे लगाया फिर बाद में एक आध पैनल बढ़ाया तो अगर 55,000 की जो पूरी अमाउंट लगाई नहीं सारी बेकार हो जाएगी। अच्छा, तो उसने नया सिस्टम पूरा नए सिरे से लगाना पड़ेगा, उसमें लगाने पड़ेंगे बड़े पैनल, ठीक हो गया। इससे बेहतर ये कस्टमर क्या करे कि एक बड़ा पैनल ले लें, 550 वाट का एक बड़ा पैनल लगे ले, उसके साथ MPPT जो है कंट्रोलर लगा ले, ठीक हो गया। तो इसमें होगा एक तो इसके अभी पैनल के प्राइसेस अगर बड़े हैं जी जी, ठीक है, तब भी 30-31,000 में उसको पैनल मिल जाएगा, ठीक हो गया, एक बड़ा पैनल मिल जाएगा। यूं कहा जाए कि 4 छोटे पैनल लगाएं और उसकी जगह एक बड़ा पैनल लगाएं, ठीक है, तो बड़ा पैनल जो है 4 छोटे पैनल से ज्यादा एफिशिएंट होगा जनरेशन बनाने में, सही है। और खुसूसन उन महीनों में जहाँ पे धूप नहीं होती। अच्छा, ठीक हो गया। कराची के तौर पे हम ये देख रहे हैं जुलाई और अगस्त में हमारी धूप नहीं होती, उसमें छोटे पैनल जो है वो काफी नीचे आ जाते हैं जनरेशन बनाने में। अच्छा अच्छा, उसमें बड़ा पैनल आपको बड़ा फायदा देगा, ठीक हो गया सही। अब आपने MPPT भी लगा लिया, सही है, ठीक है, अब बड़ा पैनल भी लगा लिया, तो अब उससे आप अगर हम AC/DC पंखों की बात करें तो 4-5 पंखे आप बैटरी चार्ज करने के साथ साथ चला सकते हो। अच्छा अच्छा, ठीक है, सही है, उसमें ये फायदा हो जाएगा। फिर इसके बाद ये तो MPPT नॉर्मली जो 60 एम्पीयर वाला आता है उसमें सिंगल बैटरी के अंदर 2 बड़े पैनल लग सकते हैं। तो अगर आप आगे जाके चाहते हो कि यार मैं इसी सिस्टम में भी कुछ नहीं चेंजेस करूँ, सिर्फ एक पैनल बढ़ा दो उसमें, फिर दिन में क्या अगर इन्वर्टर वाला फ्रिज है तो एक इन्वर्टर लगा के इन्वर्टर वाला फ्रिज आराम से चला दो। अच्छा, दिन में, ठीक है, रात में फिर बैकअप पंखे चलाइएगा, तो
अब इस तरह फिर आप आगे आगे बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता ना, फिर ये होगा कि जब आपके दो पैनल आ गए तब आपने घर का लोड देख लिया यार 1 KVA या 2 KVA, तो हमारे यहाँ पे 2 KVA का जो सिस्टम होता है ना नॉर्मली, वो कम से कम उस पर 2 पैनल लगते हैं आमतौर पर, जितने भी चाहे इन्वरेक्स हो क्राउन हो उसमें कम से कम 2 पैनल लगते हैं। ठीक होगी सही, तो आप 2 पैनल लगा के फिर क्या एक बैटरी लगा के एक इन्वर्टर लगा लें। सही है सही है सही है, तो आपका क्या हो जाएगा दिन भर में एक आपकी मोटर भी चल जाएगी, ठीक है, आपका फ्रिज भी चल जाएगा, ठीक है, वो प्लेस करके, यानी जब आप मोटर चला रहे हो उसको फ्रिज नहीं चलाई हूँ और दिन में आप इस पे इस्त्री भी चला लें, ठीक है, तो ये इस तरह करके आप आहिस्ता आहिस्ता बढ़ के 2 किलोमीटर हाँ कर सकते हैं ऐसे, मतलब अगर 3 छोटे पैनल लेंगे तो फिर वो आगे पैसे जाया हो जाएंगे अगर हम सिस्टम बढ़ाना चाहे तो। ये अब छोटे पैनल फिर बड़े पैनल के मुकाबले में नहीं आ सकते, हम जो नॉर्मली 3 किलोवाट का 2 किलोवाट का सिस्टम लगता है ना उसमें डुअल MPPT नहीं होती। अच्छा अच्छा, डुअल MPPT का मतलब ये कि एक इन्वर्टर है उसमें आपने छोटे पैनल भी लगा दी, सही सही, बड़े पैनल भी लगा दी, उसमें डुअल MPPT थी, सही सही। अब नॉर्मली जो 3 किलोवाट 4 किलोवाट के इन्वर्टर होते उसमें डुअल MPPT नहीं होती, डुअल MPPT हमारे पास मिलती है हमें 5 किलोवाट 6 किलोवाट वाले इन्वर्टर पे, सही है, तो हर एक का बजट इतना होता नहीं कि वो 6 किलोवाट वाला इन्वर्टर डायरेक्ट ले सके छोटे पैनल के बाद डायरेक्ट, सही है, ठीक है। तो अब या तो फिर ये होता है कि बेचारे जो खरीद चुके होते हैं, ठीक है, तो अब उनको ये मशवरा दिया जाता है यार अब आप इसको सेल करने के लिए निकालो, वो भी एक बड़ा मुश्किल वाला मरहला होता है कि आप 10,000 का पैनल लो बिल्कुल A1 क्वालिटी में चलती क्वालिटी में, आपने सिर्फ 2 साल इस्तेमाल किया उसकी लाइफ 25 साल है, ठीक है, लेकिन जब आप सेल करने जाओगे तो कोई आप 5,000 भी दीन दे रहा होता है, मतलब वो बहुत ही मतलब कम पैसे मिलेंगे आपको, जाया हो जाएंगे साधु, तो ये अच्छे खासे पैसे जाया हो जाते हैं इसमें, तो उसकी जगह आप शुरू में एक बड़ा पैनल ले लो, एक बड़ा सिस्टम शुरू में इस तरह तैयार कर लो कि आपके पास अब सिर्फ बड़े पैनल ही बढ़ाने आप, सही है, और कुछ नहीं करने, फिर आगे जाके जब आप इन्वर्टर लोगे तो आपका एक MPPT जाया हो जाएगा, ठीक है, वो जितनी भी अमाउंट ले रहे हो 10 के ले रहे हो 19,000 का, ये पैसे आपके जाया होंगे, लेकिन ये कि आपके पैनल के पैसे जाया होने से बच रहे हैं, अगर इसकी जगह आप पैनल भी छोटे लगा रहे हो फिर MPPT भी लगा रहे हो साथ, ऐसे करते हैं कस्टमर ज्यादा बिजली के लिए MPPT करते हैं, तो फिर उस सूरत में ये होता है कि उनके फिर अब बड़े सिस्टम की तरफ जाने 1 किलोवाट के 2 किलोवाट के सिस्टम में, तो फिर अब उनको पूरा सिस्टम नया लगाना पड़ता है, सही है, ठीक है, ठीक है, जो एक बड़े नुकसान वाली बात हो जाती है। इस वक्त अवेलेबिलिटी क्या क्या आपके पास स्पेशलिटी जरा बताइए क्या क्या होता है, जिनको एन टाइप मोनोफेशियल जिसे सिंगल ग्लास कहते हैं और ट्रीना 550 वॉट मोनोफेशियल, इसके अंदर 2 तरह के पैनल हैं, एक 13 एम्पीयर वाला पैनल भी एक 17 एम्पीयर वाला पैनल भी, अच्छा ठीक है, ट्रीना के अंदर, ट्रीना में कितने वॉट का है, दोनों 550 वॉट है, ठीक है, और फिर इसके बाद जे है 565 वॉट, अच्छा वो पी टाइप है, एन टाइप, ये भी पी टाइप है मोनोफेशियल है, मोनोफेशियल ठीक हो गया, इसके बाद लॉन्जी के अंदर हाइमोसिक्स है 575 वॉट, अच्छा ठीक हो गया, मतलब ये सारे मतलब अवेलेबिलिटी है, ठीक हो गया। अच्छा एक सवाल और पूछूंगा हसन भाई, जिनको एन टाइप वर्सेस लॉन्जी हाइमो 5 सॉरी लॉन्जी हाइमो 6, ये दो बहुत ज्यादा हॉट के आइटम है, मतलब सबसे ज्यादा सेल होने वाला, क्या इससे इतफाक करते हैं आप, यही 2 आइटम्स सबसे ज्यादा सेल हो रहे हैं, हाँ इसकी डिमांड ज्यादा है कस्टमर्स में, इसकी डिमांड ज्यादा है, जी जी, एक तो लॉन्जी हाइमो 6 के अंदर और जिनको एन टाइप के अंदर, हो सकता है पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इसमें और पी टाइप के अंदर, जी जी, लॉन्जी हाइमो 6 और पी टाइप में और एन टाइप और पी टाइप में एफिशिएंसी का फर्क बहुत ज्यादा जाके 1% आता है, थोड़ा सा फर्क है, ज्यादा नहीं, ज्यादा फर्क नहीं, लेकिन ये कि डिमांड ज्यादा होने की वजह से इसके प्राइसेस बहुत हाई होते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर मिसाल के तौर पे पी टाइप अगर आपको एक मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ 50 रुपए पर वॉट से मिल रहा होगा, तो एन टाइप जो है ये 56-57 से और अपना हाइमो 6 56-57 रुपए पर वॉट से मिल रहा होता है, ठीक हो गया, बाजू का 6-6 रुपए का फर्क आता है, कभी 5 रुपए का फर्क आता है, तो 1 रुपए पर की एफिशिएंसी के लिए आपका यानी कस्टमर का 5 रुपए पर वॉट देना ये बेवकूफी साबित होती है, ठीक हो गया, बहुत अच्छी बात क्लियर किया आपने, कस्टमर को चाहिए कि देखो ना तो कोई पी टाइप बैकवर्ड क्वालिटी है, सही है, ठीक है, ना ये अपवर्ड, ठीक, एक थोड़ी सी अपग्रेड करके उन्होंने इसको एन टाइप और हाइमो 6 किया है, ठीक हो गया, सही है, ये जो मॉडल है ये कहलाता है मोनोपर्क, अच्छा अच्छा, चाहे पी टाइप हो चाहे हाइमो 5 हो हाइमो 6 हो एन टाइप हो एन टाइप बाइफेशियल हो कोई सा भी हो, ये सारे मोनोपर्क कहलाते हैं, सही है, सही है, मॉडल जो है मोनोपर्क कहलाता है, इसमें थोड़े अपग्रेड करके एक को बाइफेशियल कर दिया, आगे पीछे सेल कर दिए, एन टाइप कर दिया उसमें ज्यादा बस बार लगा दिए, ठीक है, हाइमो 6 कर दिए बस बार सेल के पीछे कर दिया आपने, ठीक है, तो ये थोड़ी थोड़ी एफिशिएंसी करके अपग्रेड करके आपने इसको नाम चेंज किया है, सही है, सही, एक नाम चेंज कर दिया आपने, अब बास कस्टमर बेचारे ऐसे परेशान होते बोलते हैं यार पी टाइप ले लूंगा 2 साल बाद नहीं मिलेगा, तो भाई जब चेंज होगा ना तो ये पूरा मोनो पर्क ही चेंज हो जाएगा, अच्छा सही है, जिस तरह पहले सिर्फ मोनो आता था, ठीक है, फिर मोनो पर्क हुआ, ठीक हो गया, तो फिर मोनो पर्क में सारी अपग्रेड हुई है, अब आगे जाके अगर कोई और नई ब्रांड नई मॉडल आया नया मॉडल आया तो वो मोनो पर्क ही चेंज हो जाएगा,
ये बात बहुत अच्छी बात बताई मैंने अवेयरनेस के लिए पब्लिक को। जब तक हेमोसिक्स है, जब तक एन टाइप मिल रहा है, तब तक पी टाइप भी मिलता रहेगा। अच्छा, तो आपका ये डर या ये खौफ करना कि भाई एन टाइप नहीं मिलेगा तो मैं अब एन टाइप लगा लूं अपग्रेड मॉडल, फिर इसके बाद ये कि एन टाइप के साथ पी टाइप या पी टाइप के साथ एन टाइप लग सकता है, तो हाँ बिल्कुल लग सकता है, कोई इतना बड़ा एफिशिएंसी लॉस नहीं होगा आपका। अगर आप एन टाइप के साथ पी टाइप लगा रहे हो तो कोई मसला नहीं है, आप लगा लो आराम से। ठीक है, अच्छा ये जो अभी आपके सामने ही ट्रीना 550 है। अच्छा, ट्रीना 550 और ये 17 एम्पियर वाला पैनल है। नॉर्मली जो हमारे पास 550 वॉट में आते हैं वो 13 एम्पियर में आते हैं। अच्छा, ये 17 एम्पियर वाला पैनल है और इसकी निशानी है कि हम नॉर्मली हम मोनोपर्क में देखते हैं ना, तो बीच में से वो डिवाइड हो रहा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये देखिए बीच में से डिवाइड हो रहा होता है नीचे से। ये 17 एम्पियर वाला पैनल जो होता है ना, ये अपना वर्टिकली भी डिवाइड होता है और हॉरिजॉन्टली भी डिवाइड होता है। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ठीक है, ये इसमें दो बड़ी बड़ी लाइनें आती हैं, एक चौड़ाई में लाइन आती है, एक लंबाई में लाइन। ये हॉरिजॉन्टल है जी, ये हॉरिजॉन्टली बड़ी लाइन ये है जी जी, और ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टली लाइन है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल, ये नीचे हो गई, ये वर्टिकल हो गई। ठीक, तो मतलब ये 17 एम्पीयर के एम्पीयर, 17 एम्पीयर का पैनल है। ठीक है, ये तो अच्छा बता दिया हमने, 13 एम्पीयर और 17 एम्पीयर का फर्क। ठीक है, ठीक हो गया। फिर इसके बाद आप अपने सीधे हाथ पे जी जी आप देख रहे हैं छोटे पैनल के पीछे है जी जी। ट्रीना 550, ट्रीना 550 जी। ठीक है, ये है 13 एम्पीयर वाला पैनल। अच्छा, ये जो नॉर्मली हमारे मोनोपर्क आते हैं कि जो हॉरिजॉन्टली जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं जी जी। ठीक है, तो ये इसी तरह इसका हिसाब किताब है। ठीक है, मतलब ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली डिवाइड है जी जी, ये हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो रेट बता दें दोनों का, दोनों के रेट सेम है, 55 रुपीस पर वॉट से। अच्छा, दोनों रेट सेम है। ठीक है, 17 एम्पियर और 13 एम्पियर जी, तो वजह क्या है रेट सेम होने की, वजह क्या है, मतलब दोनों 550 वॉट है। अच्छा, 550 वॉट है। ठीक है, एफिशिएंसी हमारा दोनों की सेम है तकरीबन जी जी, एफिशिएंसी दोनों की सेम होगी कि दोनों 550 वॉट है। अब जो 17 एम्पियर वाला है जी जी, उसके वोल्ट कम होंगे, वो 31 वोल्ट का होगा। अच्छा, ठीक है, वो 30-31 वोल्ट वाला होगा, और जो 13 एम्पियर वाला है वो 45 वोल्ट का। तो जो वॉट जो होता है ना हमारा, ये वोल्ट और एम्पियर का सम होता है, यानी जब हम वोल्ट और एम्पियर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा वॉट निकलता है। ठीक हो गया, तो ये ट्रीना हो गया 13 एम्पियर और 17 एम्पियर वाले 550 वॉट जी। ठीक हो गया, तो इसके रेट जरा दोबारा बता दें जरा। इसके रेट है 55 रुपए पर वॉट, 55 रुपए पर वॉट। ठीक हो गया, रखा हुआ है जिनको पी टाइप। अच्छा, जिनको पी टाइप है। ठीक है, ठीक हो गया, ये भी इस वक्त 55 रुपए पर वॉट से सेल कर रहे हैं हम। अच्छा अच्छा, 55 रुपए पर वॉट। ठीक हो गया, इसकी एफिशिएंसी वगैरह बता दें आप, एम्पियर वगैरह बता दें इसकी। इसकी भी एफिशिएंसी जो जिनको नॉर्मल जिनको पी टाइप पैनल की वही हिसाब किताब, और ये है अपना 13 एम्पियर और 55 वोल्ट्स का पैनल है और ये आपको मिलेगा 58 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। अच्छा, ठीक हो गया। फिर इसके बाद अपना 565 वॉट जे ए सोलर पी टाइप, ठीक है, ये है 54 रुपीज पर वॉट के हिसाब से। अच्छा, ठीक है, मतलब ये सारे पैनल आपके पास अवेलेबल हैं। ठीक हो गया, और ये बताइएगा जरा ये बैटरीज के बारे में थोड़ा बता दीजिएगा। अभी जो आप देख रहे हैं ये TX 1800, ठीक है, ये 185 एम्पियर है। ठीक हो गया, और बिल्कुल फ्रेश माल है। अच्छा अच्छा, यानी 80 फरवरी का माल है, और ये आपको मिलेगी 51,000 रुपीज़ जी। और फिर इसके नीचे है TX 2530 एम्पियर जी, फिनिक्स कंपनी की। ठीक हो गया, ये कस्टमर्स को मिलेगी 67,000 रुपए जी। ठीक हो गया, फिर इसके बाद यहाँ ऊपर देख रहे हैं आप TX 3500, दरअसल ये पुरानी डमी, इसमें इस वजह से एक साल लिखा हुआ है। ठीक है, एक साल फ्री बैटरी रिप्लेसमेंट, वरना ये जो हमारी नॉर्मल अब आ रही है ना 6 मंथ्स के हिसाब से आ रही है, डमी है। ठीक है, ठीक है, और ठीक है, वरना ये 6 मंथ्स। ठीक है, तो ये भी मिल जाएगी, ये मिल जाएगी कस्टमर्स को 79,000 रुपीज़ पर वॉट, 79,000 जी, 79,000। तीनों मॉडल आपके पास जी, तीनों मॉडल फिनिक्स के हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक हो गया, तो हमारे पास एक्साइड की TR 1500 145 एम्पियर, ये कस्टमर को मिल जाएगी 38,000 की। ठीक है, और फिर एक्साइड की TR 2500 230 एम्पियर, ये कस्टमर को मिल जाएगी 58,000 की। ठीक है, TR 1800
185 एम्पीयर एक कस्टमर को मिल जाएगी 48,000। यानी एक्साइड फोनिक्स की मतलब काफी वैरायटी है, ट्यूबलर की मतलब सारी वैरायटी मिल जाएगी एक्साइड फिनिक्स के अंदर। फिनिक्स के, ठीक है। इसके अलावा ये जरा बताएंगे, इसके अलावा जो आप देख रहे हैं इस वक्त ये SES कंपनी की लिथियम बैटरी है, लिथियम आयन बैटरी, ये 3000 साइकिल के साथ है, 3 साल की वारंटी के साथ। लाइफ साइकिल यानी इसकी 3000 लाइफ साइकिल है। और ये अपने RS485 और 232 दोनों कम्युनिकेशन इंटरफेस को मतलब के साथ लग सकती है। क्या मतलब इसका जरा बताएंगे? ये हमारे इन्वर्टर में होते हैं कम्युनिकेशन इंटरफेस, RS485 ठीक है और RS232। अच्छा ठीक है, तो हमारे बड़े जो इन्वर्टर होते हैं ना उनमें RS485 नॉर्मली कम्युनिकेशन इंटरफेस होता है, जो छोटे पैनल होते हैं 1 kW 2 kW के उनके अंदर RS232 होता है। अच्छा अच्छा, जो बड़े होते हैं 6 kW से बड़े 10 kW के और हाइब्रिड इन्वर्टर जो होते हैं उनमें RS485 होता है। लिथियम बैटरी कौन से सिस्टम को सपोर्ट करेगा बताएंगे? ये हमारे लिथियम बैटरी जो है ये जितनी भी है ये 48 वोल्ट की है, तो हमारे 5 kW कम से कम 5 kW वाले सिस्टम को सपोर्ट करेगी। 5 kW तक ये सपोर्ट करेगी, 5 kW कम से कम ऊपर जितना भी जाए। अच्छा अच्छा, वजह ये कि 5 kW वाला हमारा इन्वर्टर होता है ना उसमें बैटरी जो होती है 48 वोल्ट ठीक हो गया, इससे नीचे जो होता है 4 और 3 ये हमारी 24 वोल्ट पे होता है, सही है, और 2 भी 24 वोल्ट होता है और 1 kW जो होता है वो 12 वोल्ट, मतलब कम से कम 5 kW सिस्टम होना चाहिए जी। तो उसमें एक बैटरी, ये एक लिथियम बैटरी लगेगी जी, और इसकी रेट है 2,95,000 की कस्टमर को मिल जाएगी, और इसकी जो वारंटी है 3 साल की है, SES कंपनी की है ठीक हो गया। इसके बाद आपके सीधे हाथ पे सेक्रेट सन की बैटरी है, ठीक है ठीक है सही है, ये भी लिथियम बैटरी है जी, ये भी लिथियम बैटरी है ठीक है, सेक्रेट सन की। इसके लिए लाइफ साइकिल तकरीबन 3,500 है। अच्छा 3,500 से ज्यादा है, ये भी 48 वोल्ट है जी, और ये भी 48 वोल्ट है, और इसकी जो वारंटी है ये भी 5 साल है इसकी वारंटी, ठीक है ठीक है, और इसकी प्राइस जो है उससे कम है, उससे कम है, ये 2,85,000 में कस्टमर को मिल जाएगी, 2,85,000 ठीक है। फिर इसके बाद लिथियम बैटरी में सबसे अच्छा ब्रांड जो है पायलेंटेक, ये भी अवेलेबल है, ये भी अवेलेबल है ठीक हो गया सही है। ये सिर्फ RS485 के साथ लग सकता है, यानी जो बड़े इन्वर्टर होते हैं हमारे जी 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 उनके साथ लग सकता है, छोटे इन्वर्टर के साथ ये नहीं लग सकती। अच्छा, उसमें भी फायदा था जो ऐसे छोटे इन्वर्टर, इसमें दोनों थे, RS232 भी थे और 485 भी थे, ठीक है ठीक है, इसमें सिर्फ RS485 है। और इसकी जरा लाइफ साइकिल बता दीजिएगा, इसकी जरा, इसकी जो लाइफ साइकिल है ये 5,000 है, 5,000 से ज्यादा है। अच्छा अच्छा, और इसकी वारंटी भी 5 साल है ठीक है, और इसके प्राइस है 4,95,000 4,95,000 जी जी ठीक हो गया सही है। इसके अलावा हमारे पास लिथियम के अंदर नराडा ठीक है 48 वोल्ट 100 एम्पीयर और अपना क्राउन कंपनी के अंदर 48 वोल्ट 100 एम्पीयर है। फिर इसके बाद यूनिक कंपनी के अंदर हमारे पास दो है, एक 48 वोल्ट 100 एम्पीयर और 48 वोल्ट 200 एम्पीयर। अच्छा। इनवरेक्स कंपनी में भी है। अच्छा। जिसे वॉल माउंटेड जिसका डिजाइन आया है नया वो वाला 48 वोल्ट 100 एम्पीयर इनवरेक्स की जी, इनवरेक्स की लिथियम बैटरी जी, इनवरेक्स की लिथियम बैटरी। अच्छा, सारा स्टॉक में मौजूद है, आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी इंशाल्लाह, अगर कस्टमर आते तो अगर अवेलेबल होगा तो ये सारा अवेलेबल हो जाएगा ठीक हो गया। तो हसन भाई ये बताइए आखिर में कि आपका एड्रेस जरा बता दीजिएगा यहाँ का, जरा सबसे पहले कॉन्टैक्ट नंबर बताइए। कॉन्टैक्ट नंबर है 0, सबसे पहले PTCL को बता देता हूँ, 03021352183 ठीक है। फिर व्हाट्सएप के लिए नंबर है 03240298538 ठीक है, और ये एड्रेस है सदर कराची सरमद रोड जोरा हाइट शॉप नंबर 4 अजमेरी 16। तो एक और व्हाट्सएप नंबर है 03102858952 ठीक है। अगर हमारे देखने वाले किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेंगे तो व्हाट्सएप पे अगर मैसेज रिकॉर्ड करते हो आप जवाब दे देंगे? हाँ, व्हाट्सएप पे रिकॉर्डेड मैसेज और अपना टाइप मैसेज, और अगर कॉल पे बात करनी है तो टेलीफोन PTCL पे बात करना ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइमिंग जो है ये दोपहर 12 से रात 8:30 बजे तक ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।